नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ में हूँ ओम प्रकाश। आज अपन देखेंगे कि हमारे घर पे कितने किस हिसाब से टाइल्स लगेंगे, 30 स्क्वायर फीट अपने टाइल्स लगना है। तो ये सब जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और आइए आगे वीडियो में आप लास्ट तक देखते रहिए। आपको पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पे कितने स्क्वायर फीट टाइल्स लगना है, कितने आपको बुलवाना है, ये सब जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आपको हम इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ऑन साइड भी हम दिखा रहे हैं किस हिसाब से टाइल्स भी लगता है। तो इस वीडियो में देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं एक एरिया लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक रूम का एक एरिया ले रहे हैं, यानी कि 10x14 यानी कि 10x14 फीट का एक यानी कि रूम है। लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो, या आप चौड़ाई गुणे लंबाई कर लो तो आपका टोटल जो है कि उस एरिया का पूरा स्क्वायर फीट निकल आता। जैसे 140 स्क्वायर फीट आया हुआ है तो हम 140 स्क्वायर फीट में हम क्या लगाने जा रहे हैं, अब टाइल्स। तो टाइल्स इनटू ये इज इक्वल टू 140 स्क्वायर फीट में हम टाइल्स लगाएंगे। तो एक बॉक्स में कितने टाइल्स है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बॉक्स में जो होता है 2x2 के जो है टाइल्स जो रहता है उसमें 4 पीसेस आते हैं। इंटू चार करोगे तो 16 स्क्वायर फीट यानी कि आपको एक बॉक्सेस में मतलब टाइल्स आता है, मतलब एक पेटी में 16 स्क्वायर फीट टाइल्स आता है। तो उसको 16 स्क्वायर फीट आपने को लगाना है 140 स्क्वायर फीट इंटू भाग देंगे अपन तो ये आपको निकलेंगे 8.75 स्क्वायर फीट जो है कि जो 140 स्क्वायर फीट में इतने बॉक्स लग जाएंगे। कितने? 8.75 यानी कि आपन एक मोटा मान के चलो कि 9 पेटी यानी कि 9 बॉक्स आपको यानी कि इस कमरे में लग जाएंगे। तो आप देखते हैं ये आपको 9 जो पेटी है बॉक्स है वो एक आपको 9 पेटी लगेंगे, साथ में आपकी इसके चारों ओर जो है 4 इंची आपको स्कर्टिंग लगेगी। अब स्कर्टिंग में मतलब कि स्कर्टिंग आसपास से जो लगता है तो इसमें 4 इंची तो इसमें आपको एक बॉक्स लग जाएगा। तो एक बॉक्स यानी कि आपको टोटल हो गया क्या 9 और 1 10 यानी कि आप टाइल्स जो टोटल टाइल्स बॉक्स हो गया 10 है ना। एरिया कितना बना 140 स्क्वायर फीट। यदि आप 140 स्क्वायर फीट में आप टाइल्स लगाना चाह रहे हो और आपको 10 बॉक्स लगेगा और एवरेज आप 600 रुपये पर बॉक्स भी लेते हो तो आपके जो टाइल्स होंगे वो 6000 रुपये के होंगे। इस हिसाब से आप एक एक रूम के जो है लंबाई इंटू चौड़ाई लेके उसका जो इस हिसाब से आप बाकायदा जो है कि पूरा घर का आप एस्टीमेट बना सकते हो। और इसके साथ साथ में आप जो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो 12 से लेके 20-25 रुपये स्क्वायर फीट तक की होता है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन कर के अपना घर का बजट बना सकते हो। साथ में जो है कि आगे आप इस वीडियो में देखो कि किस तरह से हमारा जो वर्क होता है, किस तरह से हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, ये भी आप इस वीडियो में देखिए और सब्सक्राइब करें। और घर संबंधित रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ये सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप हमसे जुड़ते रहिए और घर संबंधी सारी जानकारी आप इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लेते रहिए। दोस्तों तो ये आप देख रहे हैं कि ऑन साइट हमारा टाइल्स इंस्टॉलेशन का वर्क, ये हमारे एक शॉप का वर्क है जिसमें टाइल्स इंस्टॉलेशन इंटीरियर का वर्क चालू है। तब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस तरह से है जो कि टाइल्स इंस्टॉलेशन होता है। ये इस तरह से पूरा लेबल मिलाया जाता है, वाटर लेबल, ताकि नीच ऊंच ना रहे, एक पूरा लेबल रहे। ये टाइल्स होता है 2x2 का, आप देख रहे हैं 2 फीट बाई 2 फीट का। मैंने पहले आपको जो कि कॉपी में समझाया भी हूँ, इस तरह से पहले डस्ट को पूरा एक लेवल लेके पूरा प्रॉपर। जो एक भाई साहब वो आप देख रहे हैं सीमेंट का घोल बना रहे, अब इसको लेवल लेके एक बार जो कि ढकने के बाद में वो सीमेंट का घोल इसमें डालेंगे। तो आप देख रहे हैं भाई साहब जो है कि सीमेंट का घोल बना रहे हैं।
जिन भी दोस्तों को यदि अपने मकान का जो भी काम करवाना हो कंस्ट्रक्शन से लेके पूरा कंप्लीट एमपी के अंदर, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर लिखा हुआ है। एस्टीमेट एलिवेशन से लेके सब चीज़ें आपको हमारे पास उपलब्ध हैं। एमपी के अंदर हम जैसे इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, इटारसी और इनके आसपास के शहर में भी हम लोगों का काम है और वहाँ कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से जो प्रॉपर काम होना चाहिए।